हाय एवरीवन, आई एम संगीता फ्रॉम भिवानी। मैं स्टार्टिंग में जो मेरा वेट था वो 70 kg था। बहुत मोटा नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मतलब था कि लगता था कि हाँ कुछ इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो हर तरह के घूमना फिरना सब कुछ कर चुकी थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं मतलब पतली भी हो जाऊंगी, मेरा वेट लॉस हो जाएगा। तो एक मेरी एक कस्टमर है, वो उनसे मैंने डिस्कस किया कि भाई आप वेट के बारे में, तो बोला अरे आप डॉक्टर ऋचा से बात कीजिए और आपका वेट कम हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये लास्ट एक करके देख लेते हैं कि डॉक्टर ऋचा से भी मिल के देख लेते हैं। और मैं उनके पास दिल्ली गई और मैंने ज्वाइन किया। और मैंने डॉक्टर ऋचा को मैं लास्ट क्या बोल कर आई थी कि डॉक्टर ऋचा मुझे तो विश्वास है नहीं कि वेट मेरा कम होगा, पर चलो ठीक है एक बार लास्ट चांस ले लेते हैं कि शायद हो जाए। और जब जो मिरेकल हुआ, 3 दिन के अंदर मेरा 3 दिन में 4 दिन में जो मेरा हाफ ऑफ kg जाने लगा वेट, तो मुझे मतलब इतना मतलब फील लाइट फील हुआ। और ऐसे करके मैंने 5.5 मंथ में मैंने 15 kg मेरा कम हो गया था वेट। और एक रहता है कि आप हर चीज़ में एक सभ्यता, आप खाने के बारे में है आपको सब पता रहता है कि हाँ हम ये खा लें या वो खा लें, लेकिन उस टाइम पे हमें इतना कुछ नहीं पता था। और लेकिन जब डाइट प्लान जब लिया तो एक एजुकेशनली जो आपको एक नॉलेज होती है वो नॉलेज गेन की हमने। और डॉक्टर ऋचा तो इतने अच्छे से जो बात अंदर से निकलवाती हैं, वो आपने कल क्या खाया था परसों क्या खाया था कुछ गड़बड़ कर नहीं सकते उनके साथ। अब आपने सोच लिया कि वो चल मैं कल मैं झूठ बोल दूंगी मैंने ये खा लिया, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते आप उनके साथ, वो अंदर से निकलवा लेते हैं बात आपकी। तो उनसे डर भी लगता था कि भाई नहीं मतलब गड़बड़ किया तो वो तुरंत पकड़ लेंगी। तो बहुत ही अच्छे से मतलब हैंडल करती हैं वो। और मैं तो बहुत 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 उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने मेरा वेट मेंटेन कर लो, एक जीने की जो इच्छा थी ना वो और बढ़ गई कि वो मैं तो बहुत मतलब हर चीज़ कपड़ा भी जब आप पहनते हो तो आप जब मेंटेन हो तभी आप पे कपड़ा खिलता है, आप तभी आप उसमें अच्छे लग सकते हैं। तो वो चीज़ उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा वेट, और मैं 10 ईयर्स मैंने पहले लिया था उनसे डाइट प्लान और मैं अब तक उसको मेंटेन करते आ रही हूँ। अगर बीच में मुझे ज़रूरत होती है तो वो बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं, बता देती हैं कि भाई आप हाँ आप बीच बीच में अगर आपको हेल्प चाहिए होती है तो वो हमेशा रेडी रहती हैं। और क्या कहूँगी मैं उनके बारे में, बहुत अच्छा मतलब ऐसे वो अपने पेशेंट को क्लाइंट को वो हैंडल करती हैं। और कई बार क्या आपको सुनने को भी मिलता है ओहो आपका तो ग्लो चला गया, आप सुंदर नहीं दिख रहे हो। भाई ऐसा है, सुंदर और ग्लो तो दूसरी बात है, आपके अंदर मन में जो खुशी मिलती है आपको वो खुशी कहीं आपको मिल ही नहीं सकती। जो आप एक ड्रेस आप पहनते हैं, एक मोटा पहने और एक पतला पहने और एक अच्छा लगे, वो चीज़ एक अलग ही एक फीलिंग आती है फेस पे। तो ये सब बेकार की बात है कि आप ग्लो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक एज के बाद आपके फेस पे एज भी दिखती है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही जवान दिखते रहेंगे। लेकिन ये सब मिथ है कि भाई नहीं आप डाइट से आपका फेस डल हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैं तो कहूँगी आप डॉक्टर ऋचा को ज्वाइन कीजिएगा और फिर आप देखना कि एक्सपीरियंस क्या रहता है आपका। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं बस उनको हमेशा मतलब एक बार तो दिन में ज़रूर याद करती हूँ कि काश अगर वो नहीं होती तो मैं क्या होती आज, और वो हैं तो आज मैं क्या हूँ। तो मैं मेरी आप पहले की भी पिक्स आप देख सकते हैं इसमें अभी और अब की रिसेंट भी जो मेरी हैं, तो आप उनमें कंपेयर करना और देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।